मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन वाले चैप्टर को प्रारंभ किया था और उसमें मैंने आपको ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं, ग्लैंड्स किसे कहा जाता है, और फिर मैंने आपको बताया था इंटरनल सीक्रेशन क्लॉडे वर्नार्ड 1855, इसके पश्चात स्टार्लिंग जिन्होंने पहली बार बताया कि ये उत्तेजक क्या नाम पदार्थ होता है हार्मोन, और उसके पश्चात बैलिस और स्टार्लिंग दोनों ने सन 1903 में जो ग्रहणी होती है उसकी श्लेष्मिक कला की स्रावी कोशिकाओं से सीक्रेटन हार्मोन को पहली बार आइसोलेट किया, ठीक है। साथ ही मैंने बताया था थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी भी कह देते हैं, अतः अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। मैंने आपको ग्लैंड में बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनका मतलब यही होता है कि उनके द्वारा स्रावित होने वाले जो पदार्थ होते हैं या जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है, और उनको सीधे सीधे रुधिर में डिस्चार्ज या ब्लड में डिस्चार्ज किया जाता है, और ब्लड की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में उन्हें पहुंचाया जाता है। इन ग्रंथियों में क्या नहीं पाया जाता, नलिकाएं नहीं होती है, इसलिए हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को डक्टलेस ग्लैंड भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए, आज हम इसमें हार्मोन्स को लेते हैं क्योंकि इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ कौन से होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। कौन से होते हैं, हार्मोन्स। इनको हम क्या कह रहे होते हैं, रासायनिक पदार्थ जो किसके द्वारा स्रावित हो रहे होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल सीक्रेशन है अर्थात जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जिन पदार्थों को स्रावित कर रही होती हैं वही रासायनिक पदार्थ या रासायनिक यौगिक होते हैं और उन्हें हम हार्मोन्स कह रहे होते हैं। हार्मोन एक ऐसा रासायनिक दूत होता है या ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है जो हमारे भोजन में नहीं होता लेकिन प्राकृतिक रूप से मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां इसे संश्लेषित करती हैं या इन्हें संश्लेषित करती हैं। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, तथा मॉलिक्यूलर वेट भी हार्मोन्स का कम होता है। साथ ही हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी में ब्लड की सहायता से इनको सर्कुलेट किया जाता है या संचरित किया जाता है। साथ ही हम ये भी कह रहे होते हैं कि अधिकांश जो हार्मोन्स होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, और साथ ही हम ये कह रहे होते हैं कि रासायनिक दृष्टि के आधार पर अधिकतर जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, जैसे इंसुलिन का नाम दे सकते हो, कुछ प्रोटीन के डेरिव्ड होते हैं जिसमें हम थायरोक्सिन का नाम दे सकते हैं, या फिर जो लिपिड के स्टीरॉयड्स होते हैं जिन्हें हम प्रोजेस्टेरोन कह रहे होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स का जो आधारीय पदार्थ होता है वो कोलेस्ट्रॉल पदार्थ होता है, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम हार्मोन्स को डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात मैंने अभी अभी क्या बताया कि जो हार्मोन है, हार्मोन एक ऐसा रासायनिक दूत है जो हमारे भोजन में नहीं होता, जो हमारे भोजन में नहीं होता, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से
इन्हें शरीर में या मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित किया जाता है ठीक है। इसका मतलब है ये हमारे भोजन में नहीं होते हैं। इनका संश्लेषण या सिंथेसिस कौन कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड कर रही होती हैं। ठीक, साथ में हम कह रहे होते हैं ये छोटे अणु होते हैं, इनका अणुभार भी, इनका मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार भी कम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं कि ये रुधिर के द्वारा ये रक्त के द्वारा मानव शरीर में संचरित होते हैं, या सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, अधिकांश हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशील या सॉल्युबल इन वाटर क्या होते हैं? अधिकांश जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं रासायनिक दृष्टि से अधिकतर हार्मोन अधिकतर हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं ठीक है। सी फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन या प्रोटीन के डेरिव होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम नाम दे सकते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, या फिर यहां पर क्या बता सकते हो, या लिपिड का मतलब होता है वसा,
लिपिड के स्टीरॉइड होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन। किसका एग्जांपल दे दोगे? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब देखिए आगे ये बोला जाता है कि ये जो स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं इनका आधारीय पदार्थ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। स्टीरॉइड हार्मोन का आधार पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है ना, अर्थात जो स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। उनका आधारीय पदार्थ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, अब देखिए इसके पश्चात हम लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन होती हैं ये बताना है, अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, क्या बता दोगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखिए यहां पर हम कह रहे होते हैं कि ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये मानव शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? मानव शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों में पाई जाती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों में पाई जाती हैं, स्थानों में पाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट जिसको हम कह रहे होते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसके बाद नंबर दो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में नाम दिया जाता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नंबर थ्री थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। नंबर फोर पैरा थायराइड ग्लैंड। नंबर पांच थायमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, नंबर सिक्स पीनियल बॉडी,
जिसको पीनियल काय भी कहा जाता है, पीनियल बॉडी या क्या बोलते हैं इसको, पीनियल काय। ठीक, नंबर 7, इसके बाद आप नाम दे दीजिए पैंक्रियास, इसको कह रहे होते हैं मिश्रित ग्लैंड, जो क्या कहला रही होती है, अग्न्याशय ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट 8, एडिनल ग्लैंड, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। क्या कह रहे होते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, नंबर 9, टेस्टिस, और नंबर 10, ओवरी। ओवरी को कह रहे होते हैं अंडाशय। अंडाशय अंडाणु बनाने के साथ साथ किसका निर्माण कर रहा होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। टेस्टिस शुक्राणु बनाने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है, इसलिए हम वृषण को और अंडाशय को भी अंतःस्रावी ग्रंथि कह देते हैं। बाकी ये सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो थायरॉइड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्जोक्राइन ग्लैंड में लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, ओके। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं हाइपोथैलेमस को। किसको, हाइपोथैलेमस को। पहली ग्लैंड कौन सी होगी, नंबर 1, या नंबर 1 नहीं भी डालोगे तो क्या लिख दोगे, हाइपोथैलेमस। ये नंबर आपने दे ही रखे हैं सारे, हाइपो थैलेमस। ठीक है, हाइपो थैलेमस। अब देखिए, मैंने आपको ब्रेन बताया था और ब्रेन में मैंने आपको ये कहा था कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, अर्थात अग्र मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क पश्च जो डायन्सिफेलॉन होता है उसके ये फर्श को बनाता है, उसके फ्लोर को बना रहा होता है। इसलिए हम क्या कह रहे होते हैं कि ये है, या फिर आप दोबारा से लिखते हुए बता दीजिए, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, फोर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जो डायन्सिफेलॉन, इसको हम कह रहे होते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च जो डायन्सिफेलॉन की डायोशील, या इसको कह रहे होते हैं तृतीय गुहा, गुहा के फर्श का निर्माण करता है, के फर्श का निर्माण करता है। ठीक है, अर्थात ये क्या बना रहा होता है, जो डायोसिफिलम के अंदर पाई जाने वाली डायोसिन कैविटी होती है उसके फर्श को बनाता है। ऊपर वाला भाग एपिथैलेमस का बना होता है, दोनों पार्श्व भाग किसके बने होते हैं, थैलेमस के बने होते हैं। ठीक है, आगे हम कह रहे होते हैं कि ये, या आप कह दीजिए इसमें धूसर द्रव से बने हुए, जिसे ग्रे मैटर भी कहते हैं, धूसर द्रव से बने हुए क्षेत्र होते हैं,
जिन्हें हाइपोथैलेमिक सेंटर कहा जाता है, हाइपोथैलेमिक सेंटर्स केंद्र कहा जाता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो मोचक रिलीजिंग हार्मोन्स या हार्मोनों को संश्लेषित करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषित करते हैं, ठीक है। जो हाइपोथैलेमिक सेंटर है, जो ग्रे मैटर से बने होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स को बनाते हैं, ठीक है। ये हार्मोन इस ग्रंथि से निकलकर, इस ग्रंथि का मतलब क्या होगा, हाइपोथैलेमस, इस ग्रंथि से निकलकर क्या करते हैं बताओ, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली एंटीरियर लोब, अग्रपाली को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए, स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीपित करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो हार्मोन यहां पर बने, जिनको हम रिलीजिंग हार्मोन कह रहे हैं, ये रिलीजिंग हार्मोन इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकल करके कहां पर जाते हैं, पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर लोब में, अग्रपाली में, और उस अग्रपाली को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं या उद्दीपित करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात हम कह रहे होते हैं जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि एक ब्रंथ सदृश इनफंडिबुलम द्वारा, इनफंडिबुलम, ठीक है, एक ब्रंथ सदृश इनफंडिबुलम द्वारा किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक ब्रंथ इनफंडिबुलम के द्वारा किससे जुड़ी रहती है, हाइपोथैलेमस से, और ये बाह्यकाएं नियमनकारी पदार्थों को प्रवाहित करती हैं, नियमनकारी का मतलब है हार्मोन्स, पदार्थों को प्रवाहित करती हैं, ठीक है। आगे हम कह रहे होते हैं हाइपोथैलेमस द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा दो प्रकार के
दो प्रकार के हार्मोन्स संश्लेषित किए जाते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं, एक मोचक हार्मोन जिनको हम रिलीजिंग हार्मोन RH हार्मोन भी कह रहे होते हैं, मोचक हार्मोन तथा दूसरे निरोधी हार्मोन इनहिबिटिंग निरोधी हार्मोन। ठीक है, एक तो जो दो प्रकार के यहां पर संश्लेषण हो रहे हैं, एक तो क्या है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरे क्या होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है ना, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पादन एवं श्रावण उत्पादन एवं श्रावण क्रिया को प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है ना, ये हार्मोन क्या करते हैं पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पादन जो हार्मोनों का है, या फिर आप कह सकते हो पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन उत्पादन, हार्मोन उत्पादन एवं श्रावण क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है ना, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, इस कारण से हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी नियमन का सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च कमांडर, जिसको हम सुप्रीम कमांडर भी कह रहे होते हैं, कहा जाता है या हाइपोथैलेमस को प्रधान ग्रंथि का नियंत्रण, इसको कह रहे होते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड का नियंत्रक भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, और उस मास्टर ग्लैंड का भी नियंत्रण या रेगुलेशन कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड या सुप्रीम कमांडर के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जिसे हम अंतःस्रावी नियमन का सुप्रीम कमांडर या प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक अर्थात मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो किसका नाम लिखोगे, हाइपोथैलेमस का। ठीक है, क्लियर हो गया।
अर्थात आप कह सकते हैं हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हुए या का नियंत्रण करते हुए करते हुए शरीर की संपूर्ण क्रियाओं का नियमन करता है ठीक है। ये यहाँ पर इसको हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, अर्थात कौन सी वाली ग्रंथि कंप्लीट हो गई, हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस को और हम चाहें तो एलोवेलेट कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस को हम चाहें तो और अधिक इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम नाम ले सकते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित हार्मोन और उनकी कार्य, अर्थात सीक्रेटेड हार्मोन्स बाय हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस एंड देयर फंक्शंस ठीक है। सीक्रेटेड इसका मतलब होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्य फंक्शन। अब देखिए ये जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो यहां पर ये कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा 10 प्रकार के न्यूरो हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा 10 प्रकार के न्यूरो हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं ठीक है, जो क्या करते हैं, जो पीयूष ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण करते हैं
करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर कितने प्रकार के आपको बताने हैं, 10 प्रकार के श्राव। और ये 10 प्रकार के श्राव क्या कर रहे होते हैं, न्यूरो हार्मोन का ये सीक्रेशन कर रहे होते हैं। अब इसमें आप 10 नाम लिख दीजिए, जिसमें एक जगह तो हम क्या लिखें, नेम एंड सिंबल, सिंबल का मतलब है संकेत के रूप में इसको लिखें, ठीक है। और दूसरा यहां पर लिखते हैं इसके क्या हो सकते हैं, फंक्शंस, क्या हो सकते हैं, फंक्शंस, ठीक है ना। अर्थात न्यूरो हार्मोन के नाम हो गए, उसका संकेत हो गया और उनके कार्य हो गए। पहला यहां पर हम नाम दे रहे होते हैं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये पहला नाम हो गया जिसको हम जी एच आर एच लिख देते हैं। ये सिंबल है इसका, जी का मतलब होता है ग्रोथ, एच का मतलब हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में मोचक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के स्राव को उद्दीपित करवाता है, ग्रोथ हार्मोन के स्राव को उद्दीपित करता है, उद्दीपित करता है, ठीक है ना। अर्थात ये यहां से कहां पर जाएगा, पीयूष ग्रंथि में, और पीयूष ग्रंथि से कौन से वाले हार्मोन को स्राव के लिए प्रेरित करेगा, ग्रोथ हार्मोन को। दूसरा देखिए इसी का नाम, अब ये पहले नाम आपने लिख लिया, इसलिए अगर हम चाहें तो दोबारा से ना लिखें, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको लिखते हैं शॉर्ट में जी एच आई एच। ये हार्मोन को रोकता है, संगमित करता है। नंबर 3 थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, कितने हो गए, 3। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, टी आर एच। अब देखिए नंबर 4, यहां नंबर 4 में हम लिखते हैं प्रोलैक्टिन, ये दुग्ध स्राव के लिए होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में कहा जाता है पी आर एच, जो सिंबल है इसका। अब देखिए नंबर 5, प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको लिख सकते हैं पी आर आई एच, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 मेलेनोसाइट हार्मोन
रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इसको सिंबल के रूप में क्या लिखेंगे, एम एस एच आर एच, ठीक है। इसका नंबर 7, मेलेनोसाइट हार्मोन, आगे रिलीजिंग की जगह इनहिबिटिंग आ जाएगा, इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको क्या लिखोगे, एम एस एच आई एच। इसके बाद नंबर 8, कॉर्टिको ट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इसको लिख दीजिए सी आर एच। इसके बाद 9, ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन, इसको लिख दीजिए एल एच आर एच। यहां पर ये हार्मोन और लिख सकते हैं, इसमें हार्मोन एल एच आर एच, और 10 इसको लिख दीजिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन इसको कह रहे होते हैं एफ एस एच आर एच। कितने प्रकार के हो गए, 10 प्रकार के। अब देखिए इन 10 प्रकार के हार्मोन में कुछ तो रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है यह हार्मोन जब वहां पर पीयूष ग्रंथि में पहुंचेगा तो उस हार्मोन के उद्दीपन को या स्राव को उद्दीपित करेगा, और जो इनहिबिटिंग है ये क्या करेगा, उसके स्राव को रोकने का काम करेगा, संदमन करने का काम करेगा, निरोध करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बता दोगे, जीएच ग्रोथ हार्मोन के स्राव को रोकता है या संदमित करता है, रोकता है या संदमित करता है, ठीक है। इसके बाद में टीआरएच क्या होगा, ये थायरोट्रोपिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन के स्राव को उद्दीपित करता है, के स्राव को उद्दीपित करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए पीआरएच, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्राव को उद्दीपित करता है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्राव को
संदिमित करता है या रोकता है, संदिमित करता है या रोकता है, ठीक है। इसके बाद में मेलेनोसाइट हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करेगा, ये मेलेनोसाइट हार्मोन को, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये, SH लिखा हुआ ना, तो यहां पर सभी में क्या जोड़ना पड़ेगा, स्टिमुलेटिंग, यहां पर भी क्या जोड़ोगे, स्टिमुलेटिंग, ठीक है ना। तो ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग है, मुलेटिंग हार्मोन के स्राव को उद्दीपित करता है, के स्राव को उद्दीपित करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए MSH IH, आई क्या मतलब क्या होगा, इसको रोकने का काम करेगा, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, MSH के स्राव को संदिमित करता है, संदिमित करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तीन बच गए, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं, स्राव को बढ़ा रहे होते हैं। तो इसमें जो CRH है, कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये CRH क्या करता है, CRH के स्राव को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। इसके बाद में LHRH स्राव को ये भी क्या करेगा, प्रेरित करेगा। इसके बाद में LHIH की स्राव को संदिमित करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से हार्मोन निकलना चाहिए LH, उसको ये रोकता है, ठीक है। इसी तरह से FSH RH भी क्या करेगा, RH ये क्या करेगा, FSH के स्राव को संदिमित करता है, संदिमित नहीं प्रेरित होना है, प्रेरित, हाँ प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो ये देखिए MSH के स्राव को बढ़ा रहा होता है, ये CRH के स्राव को बढ़ा रहा होता है, ये LHRH क्या करेगा, ये जो LH होता है इसके स्राव को बढ़ाता है, अर्थात ये किसके स्राव को बढ़ाएगा, LH के, और ये क्या करेगा, LH के स्राव को संदिमित कर देगा। FSH RH FSH के स्राव को प्रेरित करता है। तो ये सारे के सारे जो 10 प्रकार के मैंने बता रखे हैं, जिसमें से कैसे होते हैं, रिलीजिंग मीन्स मोचक, इनहिबिटिंग मीन्स रोकने वाले, मोचक अगर ये कहां पर पहुंच जाएंगे, पीयूष ग्रंथि में, तो ये पीयूष ग्रंथि की पाली से इस हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करेंगे, और अगर इनहिबिटिंग पहुंच जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से हार्मोन के स्राव को रोकते हैं या संदिमित करते हैं, ठीक है ना। ओके।